सो हाय गाइस, तो आज हम खेल रहे हैं माइनक्राफ्ट और ये हमारा माइनक्राफ्ट का तीसरा एपिसोड है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और आज का हमारा लाइक एम है 1 लाइक, जो कि मैं ही करने वाला हूँ अपने दूसरे अकाउंट से। तो मैंने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें की थी ऑफलाइन। मैं माइनिंग पे गया था और ये मैं विलेज पे हूँ, हमारे घर के पास वाला विलेज नहीं बोलता हूँ मैं। पहले देखते हैं हमारे आयरन की चीज़ें। ये रहा हमारा आयरन का हेलमेट, चेस्ट प्लेट, लेगिंग्स और बूट्स। तो मैंने आयरन का आर्मर बना लिया और बहुत सारे टूल्स भी बनाए थे यहाँ पर। आयरन का स्वर्ड, पिकेक्स, एक्स और शवल। यहाँ पर मैं एक विलेज में आया हूँ, तो मैं थोड़ा घर के आसपास घूम रहा था और मुझे यहाँ पर एक विलेज मिली। आसपास तो नहीं, थोड़ी दूर है घर से हमारे। और यहाँ पर मैंने फ्लावर्स क्यों लिए हैं आप सोच रहे होंगे। तो मैंने जो घर बनाया था वो मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने सोचा कि एक मॉडर्न हाउस बना लेते हैं। हाँ, शुरुआत में ही गेम के एक मॉडर्न हाउस, इसलिए मैं फ्लावर्स कलेक्ट कर रहा हूँ ब्लू कलर के, जिनसे कि मैं ब्लू डाई बनाऊँगा। और मैंने ग्रेवल्स भी कलेक्ट किए थे जो कि घर में है, और मैंने यहाँ पर लूट भी नहीं देखी विलेज की। तो देखते हैं विलेज के लूट, एक भी घर में नहीं गया अभी तक मैं। और यहाँ पर मुझे खेत भी दिख रहे हैं, इन्हें भी ले लेते हैं। वैसे क्या है, कैरेट। तो पिछले वीडियो में मैंने एक मुर्गी को मार दिया था और उस मुर्गी के श्राप से मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था। नहीं, गिर गया। तो मैंने सोचा है, बहुत ही कठिन फैसला ले लिया मैंने कि आज से हम मुर्गी को नहीं मारेंगे, एक भी मुर्गी नहीं मारेंगे माइनक्राफ्ट में, और मुर्गी को खाएंगे भी नहीं। तो ये खेत तो साफ कर दिया है, चलते हैं आगे। तो मैं जो मॉडर्न हाउस बनाऊंगा वो मैं सोच रहा हूँ उसी विलेज के सामने बनाऊँ, ताकि बाद में विलेजर्स को लाने में तकलीफ ना हो हमें। और यहाँ पर अभी तक तो मुझे कुछ नहीं मिला कैरेट के अलावा। और यहाँ पर एक ब्रीविंग स्टैंड है, हमें ज़रूरत नहीं, एक तो है हमारे पास। चलो, 4 एमरल्ड मिल गए हमें यहाँ पर, जो कि अच्छी बात है। तो देखते हैं और भी घरों में क्या मिलता है। और यहाँ पर बहुत सारे हेबल्स हैं, मैं भी मैं ले लूँगा बाद में। तो यहाँ पर मुझे एक सैडल मिल गया, चलो मुझे चाहिए था सैडल होगा, एक ही मिला है मुझे। तो मैंने यहाँ पर घूमते अपने घर के आसपास बहुत चीज़ें कलेक्ट की हैं। यहाँ पर रोजेस और स्वीट बेरीज, और यहाँ पर शुगर कैंस भी है मेरे पास। तो इन हेबल्स को भी ले लेते हैं फटाफट। और यहाँ पर इनके आलू की खेती, चलो इसे भी साफ कर देते हैं। तो ज़्यादा कुछ तो खास नहीं मिला मुझे, देखते हैं सामने। यहाँ पर एक कूल ड्रोन है, इसे भी ले ही लेते हैं, छोड़ना नहीं है कुछ हमें। और यहाँ पर स्पेस नहीं है, तो मुझे एक घोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास अभी तो सैडल है, मैं उसी से घर चला जाऊँगा। और वहाँ पर मुझे घोड़े भी देख रहे हैं, तो इन्हें भी ले लेते हैं इन हेबल्स को। A few moments later. तो इन्हें मारने से मुझे लीड मिलेगी, तो मारते हैं इन्हें भी, छोड़ना नहीं है हमें। यहाँ पर इसने फिर से तो नहीं, ये नया खेत है शायद। हाँ, तो इन्हें भी ले ही लेते हैं बीट रूट। तो मैंने सोचा एक मॉडर्न हाउस बना लेते हैं, क्योंकि वो फर्टीचर सा घर हमें नहीं चाहिए, इसलिए मुझे कॉन्क्रीट बनाने थे, जिसके लिए मुझे ग्रेवल, सैंड और डाई चाहिए थे। तो इनसे मैं डाई बना सकता हूँ ब्लू कलर। और ग्रेवल मैंने कलेक्ट की है माइनिंग करके, और मुझे सिर्फ चाहिए थे सैंड भी मैंने लिए हैं थोड़े।
यहाँ पर और भी चाहिए मुझे बहुत सारे। और अभी चलते हैं हमारे घर की तरफ, और यहाँ पर पिलेजर्स, तो इनसे पंगा ले। मैं सोच रहा हूँ मेरे पास डायमंड की कुछ भी नहीं है, कहीं मर ना जाओ, और मेरे सामान भी फुल है, तो घर में चलते हैं। फोकट का पंगा नहीं लेना है हमें। अगर घर के सामने वाला विलेज होता तो मैं चलो ले लेता पंगा, अभी हम घर से भी बहुत ही दूर है, तो मैं मिलता हूँ सीधे घर में। तो गाइस मुझे यहाँ पर घूमते घूमते एक और विलेज मिला, लेकिन ये टूटा हुआ विलेज है, इसमें कोई विलेजर नहीं होगा, पर लूट तो होगी शायद मेरे ख्याल से, तो देख लेते हैं इसे भी। और मुझे एक घोड़ा भी मिल गया, और इसकी स्पीड भी बहुत अच्छी है, जंप भी बहुत तगड़ी वाली है, तो लगा देते हैं इसे यहाँ पर और चलते हैं अंदर। और यहाँ पर लूट तो काफ़ी अच्छी है, क्या ले क्या ना ले, ये तो हमें लेना पड़ेगा, बीट रूट का सीट इसे निकाल देते हैं। तो डायमंड हॉर्स आर्मर मैं पहना के आता हूँ घोड़े को, तो देखते हैं दूसरे घरों में क्या मिलता है हमें। और यहाँ पर ज़ॉम्बी विलेजर्स मुंह के सामने आ गया एकदम, तो इसे भी मार देते हैं। और यहाँ पर कुछ खास नहीं, तो सामने चलते हैं। यहाँ पर एक कार्टोग्राफी टेबल, तो मुझे इसकी ज़रूरत तो नहीं है अभी। तो यहाँ पर एक और कुल्ड्रन है, ले लेते हैं इसे भी। तो यहाँ पर मुझे दो बेल मिल गए, इन्हें ले लेते हैं, अपने घर में लगाएंगे। और मेरे पास तो जगह ही नहीं, क्या फेंके, इन एप्पल्स को फेंक देते हैं हम। तो ओके एक और बेल। तो यहाँ पर भी बहुत सारे हेबल्स हैं जिन्हें मैं लेने तो वाला हूँ, मतलब छोड़ने तो वाला नहीं। यहाँ पर एक बुक, एक एमरल्ड, और यहाँ पर बहुत सारे पेजेस, हमें पेजेस की तो ज़रूरत है लेकिन स्पेस नहीं है, स्पेस का प्रॉब्लम। बेक्ड पोटैटोस को रखते हैं साइड में। तो गाइस यहाँ पर हम आ चुके हैं हमारे घर में, और चलते हैं। और देखो यार एक घर मुझे कैसे पसंद आएगा, कितना फटीचर सा घर है एकदम। तो यहाँ पर हम टेम्पररी है, मैं बनाने वाला हूँ जल्दी एक मॉडर्न हाउस, और वो होगा हमारा परमानेंट। तो इसे यहाँ पर बांध देते हैं और चलते हैं अंदर। मैंने कुछ अपडेट्स किए थे जो कि दिखा देता हूँ फटाफट। और यहाँ पर मैंने थोड़े से फर्नेस लगा दिए, शायद मैंने दिखाया था शायद। और यहाँ पर देख ही सकते हो आप लोग ग्रेवल्स, यहाँ पर हमारे पास 9 stack के ज़्यादा ग्रेवल्स है। और यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें, लावा बकेट जो मैंने माइन से लाए थे, और यहाँ पर हमारे आयरन्स। तो मुझे यहाँ पर एक चेस्ट बना देना था, तो बना लेते हैं फटाफट, एक नहीं दो बना लेते हैं, क्योंकि चीज़ें ज़्यादा रख सकेंगे हम उस पर। और यहाँ पर इन्हें रख देते हैं अभी के लिए, और क्ले भी लाया था मैं यहाँ पर। तो यहाँ पर चीज़ें तो मैंने रख दिया है, और मैं माइन दिखा देता हूँ। यहाँ से मैंने माइनिंग की थी, और यहाँ पर मैंने स्टेयर्स लगा दी डायोराइट की, डायोराइट कहते हैं शायद उसे, हाँ ठीक ही तो कहा मैंने। तो इन स्टेयर से उतरने के समय वक्त थोड़ा तो टाइम लगता है, लेकिन चढ़ने के समय एकदम फास्ट। तो ये रही वो माइन तो नहीं, मतलब यहाँ से मैंने माइनिंग किया था बहुत सारा। तो यहाँ पर मुझे एक लावा मिल, एक नहीं क्या बोल रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर मुझे लावा मिला था, और यहाँ पर एक केब भी है। यहाँ से मैंने ग्रैपल लिए थे, यहाँ पर आप देख ही सकते हो बहुत सारे ग्रेवल हैं। और यहाँ पर ग्रेवल लेते लेते मुझे एक केव मिल गया,
और इस केव में और भी ज़्यादा ग्रेवल है। और ये रहा वो केव, तो बहुत बड़ा है ये केव, तो ये रहा वो। तो यहाँ पर जो ग्रेवल्स देख सकते हो आप लोग, यहाँ से मैंने उन्हीं को लिया था, देख ही सकते हो कितने ग्रेवल्स अभी भी है यहाँ पर। और मैंने ग्रेवल्स लेते लेते यहाँ पर एक गड्ढा कर दिया। बहुत सारा ग्रेवल मिला था मुझे यहाँ से। तो चलते हैं अपने घर पे, मैं मिलता हूँ घर में। 2 hours later. तो मैं एक बार दिखा देता हूँ कि सीढ़ियों से हम लोग कितना जल्दी ऊपर आ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पहुँच गया 11 लेवल पे, तो हमें जाना है 70 लेवल पे। और यहाँ पर है सीढ़ियाँ, तो चलते हैं। ओके ओके ओके, मैंने स्प्रिंट नहीं किया था, अभी स्प्रिंट करके जाएंगे। और हंगर बार देखो हमारा, और हंगर बार हमारा हाफ हो गया यहाँ पर सीढ़ियाँ चढ़ने से। हाँ, तो मुझे जो कंक्रीट पाउडर बनाने थे, इसके लिए मुझे सैंड की भी ज़रूरत होगी। यहाँ पर ग्रेवल्स तो हैं हमारे पास, और मैंने थोड़े स्टोन भी रखे हैं वहाँ पर। और बना लेते हैं ब्लू डाई, यहाँ पर भी थोड़े फूल फ्लावर्स है, तो इनसे भी बना लेते हैं हम डाई फटाफट, हमेशा फटाफट। और यहाँ पर हमारे पास 50 डाइस आ गए हैं ब्लू डाई, और हमें वाइट डाई की भी ज़रूरत पड़ेगी जो मैं हाउस बनाने का सोचा हो उसके लिए, तो मैं उसकी भी वीडियो डाल नहीं दूंगा एक सेपरेट, वैसे भी कोई तो देखता ही नहीं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना मत भूलना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। चैनल पे तो नहीं होंगे क्योंकि अभी तक तो 0 सब्सक्राइबर है, 0 नहीं 2 है, और 2 मेरा ही अकाउंट है दोनों। तो यहाँ से हम पोटैटो ले लेते हैं, और हमें सैंड की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमें सैंड कलेक्ट करने जाना पड़ेगा। और शावल ले लेते हैं हम थोड़ा सा, यहाँ से सैंड। तो मैंने विलेज के वहाँ पर नहीं, यहाँ पर ही कहीं पर सैंड तो देखा था बहुत सारा, तो हाँ वहाँ पर है सैंड बहुत सारा। तो मैं जल्दी से जल्दी इन सैंड्स को कलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से मेरे पास लगभग 4 स्टैक सैंड आ गया है। तो मैंने और भी कहीं देखा था, मुझे याद है, हाँ यहाँ पर। तो यहाँ से भी ले लेते हैं, करते हैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड। तो गाइस, मैं सोच रहा हूँ आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।